हेलो गाइस, और आज समय एक नए कंपैरेटिव वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दिवाली का कार्यक्रम हमारे घर में किस तरीके से मनाई जा रही है। और आप यहाँ पे डेकोरेशन देख सकते हो, मैं थोड़ा सा डेकोरेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। शिवांशी भी आज बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई है और घर को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, देखते हैं पसंद आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को घर की डेकोरेशन। लाइटिंग भी अच्छी हुई है। ये भाई साहब बनाया गया है, और पहला कंपैरिजन वीडियो जो आप लोगों के लिए आने वाला हूँ, मैं अपने गांव में किसके घर पे लाइटिंग दिवाली की बहुत अच्छी बनी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और भाई ये दिवाली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि मेरे मामा की फैमिली पूरी यहाँ पे आ रखी है और उनके साथ हम दिवाली मना रहे हैं। और मेरे मामा का लड़का भी आया, शोमू इधर आ। तो शोमू भी आप सब लोगों को हाय बोलेगा। हाय बोल। हाय। तो भाई दिवाली तो बहुत ही सही बन रही है। मैं आगे से आप लोगों को डेकोरेशन दिखाता हूँ कि आगे से डेकोरेशन किस तरीके का है। तो ये रहा। और भाई आजकल ये बहुत ही बढ़िया हो रखा है, क्योंकि कुछ लड़के हुए हैं गांव के, हमारे लड़के जो बिजली वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लड़ियाँ जो हैं बढ़िया एकदम, उनसे किराए पे लगाओ, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, वो आके लगा के चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद आप रखो और उनको इतना किराया दो, और फिर उसके बाद बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बिजनेस लगा यार मेरे को। चलो मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पर बाकी लोगों की लाइटिंग कैसी सजी है। और ये लाइटिंग देखने का अलग ही भाई आनंद है। तो भाई ठंड बहुत है। दिखाने वाला हूँ वो हमारे गांव का हरि मंदिर, और अफसोस की बात है इस बार हरि मंदिर में कोई लाइट नहीं है। देखो ये है भाई हरि मंदिर, एक जो एज यूजुअल लाइट जल रही वही लाइट है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव का शिव मंदिर। भाई शिव मंदिर में भी कोई लाइटिंग नहीं है, धर्मशाला की तरह कोई लाइटिंग नहीं लगाई है। और भाई इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे गांव का एक तीसरा मंदिर, जो कि है काली मंदिर। तो काली मंदिर में कैसी लाइट लगी, ये है भाई काली मंदिर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लड़के ने मेरे गांव मेरे घर में लगाया ना, तो उसी की लाइटिंग लगी हुई है, कि हर कहीं पे वही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ये वाइट और गुलाबी टाइप का। बट इसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है इंडिविजुअल गाँव के जो घर हैं उन्होंने कैसी लाइटिंग सजा रखी है। तो चलिए एक एक करके। तो भाई अभी मैं आ रखा हूँ मेरे घर पे, और मेरे साथ शोमू भी है। शोमू तो दिख नहीं रहा है। हाँ शोमू भी है। और ये है भाई एक घर जहाँ की लाइटिंग ऐसी बना रखी है, मेरे हिसाब से अच्छा है कॉम्बिनेशन, मेरे घर जैसा ही है। कुछ कुछ मेरे घर जैसा ही कॉम्बिनेशन है, वाइट और गुलाबी है ना ये, हाँ गुलाबी के साथ। उसके जस्ट बाद में दिखाता हूँ ये एक इन्होंने बना रखा है। ये तो रंग बिरंगी पचरंगा सा है। तुझे कैसा लग रहा है शमू? अच्छा ही लग रहा है। ये लाइटिंग ठीक है? हाँ ठीक ही है, ठीक ठाक ही है, बट थोड़ा ज़्यादा अच्छा पचरंग हो गया। हाँ नहीं वही, ये थोड़ा सिंपल और सोवर लग रहा है। ये सिंपल और सोवर है। चलो अब चलो कहीं और जाके देखते हैं उन लोगों ने कैसी लाइटिंग लगाई है। ये जो एक घर है, ये घर की लाइटिंग क्वाइट गुड है, बट कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ी सी, मतलब स्ट्रेट होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लगता। ये अगर स्ट्रेट होता, वैसे दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रेट एक मेरे हिसाब से अगर एक ही तरीके की लाइटिंग होती तो ज़्यादा बेटर लगता। ऊपर वाली लाइट शो कैसा लग रहा है? ऊपर वाली लाइट पर उतना अच्छी लग रही है, नहीं लग रहा। बट ये वाली लाइट जो है साइड में थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है इनका, ऊपर वाला अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर वाला नहीं, लेकिन दूर से अगर मैं दिखाता हूँ ये घर जो है दूर से अच्छा लग रहा था। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चमक रहा है मेरे गाँव पर, और रात में अगर देखूँ तो चमक बढ़िया आ रही है। ये भी यार नॉर्मल ही है, इन्होंने भी ज़्यादा ऐसा कुछ लगाया नहीं है, अनोखा नहीं किया है। अनोखा नहीं है प्रो, इनका भी यार सच कुछ ज़्यादा अच्छा खास नज़र नहीं है। हाँ नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। चलो कम है, इसका भी ठीक ठाक है। नहीं ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है।
ज़ूम करना, एक ही तरीके की लाइट। ये भी बढ़िया है, ये घर है भाई, उन्होंने अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। और ये भाई, ये भी एक घर है जिन्होंने बढ़िया लाइटिंग किया है। अब मेरे हिसाब से शोमू बता कैसा, कैसी है लाइटिंग? अच्छी लग रही है। इन्होंने एक ही कलर लगाया और वो है ब्लू। सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है एक हिसाब से देखा जाए। अगर ये लोग सामने भी करते हैं तो भी बढ़िया लगता है। ये अगर सजाते लोग तो और ज़्यादा मस्त लगता। चलो ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे और एक मंदिर मिला हम लोग को, अच्छी है ये। भाई ये भी सही है, इन्होंने भी अच्छा। हाँ। बट इन्होंने, इनके दोनों घर पड़ोसी हैं, पड़ोसी, तो इन्हें सेम लाइटिंग, ब्लू लाइटिंग मेरे हिसाब से। एक रेड दे देता, एक ब्लू दे देता, अच्छा होता। हाँ, यहाँ पे अगर रेड दे देता, ग्रीन दे देता, ये रेड दे देता, वो वाला ब्लू रहता और भी अच्छा लगता, चमकता, सही लगता। अगर ये इस साइड में भी चमकाते तो ये, बट ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी आप लोग यार कमेंट में बताओ, ये जो मंदिर है स्पेशली, ये आप लोगों को कैसा लगा? सही है, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग अलग होता तो ज़्यादा मज़ा आता मेरे हिसाब से। ये भी सेम मंदिर में लगाया जिसने मेरे घर पे लगाया। सर सेम कॉम्बिनेशन दे दिया हर घरों में। ये भी सेम मंदिर में लगाया, ठीक है। ये वाइट और वाइट और पिंक, वाइट और पिंक, ये क्या है? ये सिंपल है, ये सिंपल है, वो अच्छा है। अरे प्रधान जी नमस्कार, बढ़िया लगा है यार। अरे वीडियो बना रहे थे थोड़ा, गांव में कौन सा लाइटिंग बढ़िया हुआ है, मस्त लग रहा है। साइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, साइड में भी यही देता ना और मस्त लगता, बढ़िया लग रहा तुम्हारा। साइड में थोड़ा ये ब्लू व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों साइड में ऐसे लग रही है। हां नहीं, यही साइड तो देता था ना पर ऐसे ही हो। हां दिवाली, अरे दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं भाई। हमारे गांव के उपप्रधान जी हैं। अरे इसमें क्या हो गया, वो बैटरी कम हो गया लग रहा है। चलो ये भाई, ये जो मैं घर दिखाने वाला हूँ इनके लाइटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। मैं कैमरे का फ्लैश थोड़ा जला देता हूँ, ये देखो आप। मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा ये कॉम्बिनेशन, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये है भाई, सही है, गांव के हिसाब से बहुत सही कॉम्बिनेशन है, मतलब सिंपल सिंपल एंड सोवर लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, नहीं एकदम। तो भाई कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा कि आपके गांव में भी, आपके गली मोहल्ले में बहुत लोगों ने लाइटिंग लगाई है, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, भाई किसके यहाँ की लाइटिंग किस तरीके की है, ऐसा होता है ना, तो वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए, इस पर दिखाया जाए कि हमारे गाँव में लोगों ने किस तरीके की लाइटिंग लगाई है दिवाली के टाइम पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और भर भर के प्रमोट भी कर देना मेरे चैनल को लोगों के साथ शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।